और जिसके वो हम लोग आए थे इंडियन कि वे फिर से प्रधानमंत्री मोदी बने तीसरी बार और वो सफलता मिली, उन्हें बधाई देता हूँ। हार और जीत राजनीति का एक हिस्सा है और जहाँ कमियाँ रह गई उसमें समीक्षा होगा, देखा जाएगा, उसको सुधार किया जाएगा, फिर आगे जीत किया जाएगा। हमको लगता है कि जो आरक्षण के मुद्दे पर झूठ बोला गया संविधान, क्योंकि उसको लोगों ने जो नैरेटिव सेट किया उसे कैश कराया, वो हम लोग लगता है उसको जनता काम तो हम लोगों ने बहुत किया था, उसको काम को हम लोगों ने समझाने में ना क्या मामला है, फिर कामयाबी मिलेगी। 23% के आसपास दलित हैं और दलितों को आरक्षण के सहारे, संविधान के सहारे उन्हें विकास की मुख्यधारा मिलाया जा रहा, उनके अंदर भय पैदा किया गया, तो नान जाटो जितने थे वो ट्रांसफर हुए। और बाकी जो चूँकि अति उत्साह में था कि हो गया तो नहीं जीत, एक सीट में कुछ उदासीन हुए, निष्क्रिय हुए, तो हमको लगता है कि इसकी वजह से तो मैंने तो अपना बूथ जीता है, 534 बूथें संत कबीर नगर की थी और उसमें लगभग 504 बूथों के आसपास हमने पूरा जीत दर्ज कराई है। तो अब पहले ज़्यादा वोट पाया 2022 से 2019 से, और जगहों पर हमने बुलाया कार्यकर्ताओं को बताएंगे। अब मेन कारण वही है कि लोगों जो नैरेटिव सेट किया और नैरेटिव को कैश कराया और हम लोग उसको अपने किए गए अच्छे कामों को हम लोग समझाने में नाकाम रहे हैं। देखो कुछ न कुछ तो कारण रहे हैं, अब उस पर आए जैसे निश्चित रूप से रहा, ऐसे जगहों पर समय आएगा तो अब पता कि बिना किसी के एविडेंस के आधार पर किसी को आरोपित करना ठीक नहीं है। वो बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सब पता लगा लेती है कि कहाँ क्या हुआ, वो बड़े भाई के रूप में है, काम करेंगे, पहले भी हम लोग थे, आज भी हैं, आगे भी। सो वॉचिंग द वीडियो, इफ यू लाइक इट प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर योर व्यूज इन द कॉमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू इंडिया न्यूज़ टीवी फॉर मोर सच अपडेट्स।